हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम हिंदी की क्लास में पढ़ेंगे हमारा रिमझिम पाठ्य पुस्तिका का पाठ 15, बिशन की दिलेरी। बिशन एक बच्चा है, यहाँ पे एक लड़का है जिसके बारे में बताया गया है कि वो कितना दिलेर है, कितना बहादुर है, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान वो जोखिम में हमेशा डालता रहता है, उसकी के बारे में बताया गया है। स्टार्ट करते हैं, आप अपना पार्ट 15 निकालिए, बुक में मेरे साथ साथ ही रीड कीजिएगा। सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फॉर्म हाउस पर जाता था। फॉर्म हाउस कर्नल दत्ता है, उनका फॉर्म हाउस है जिनके फॉर्म हाउस पर वह इसी रास्ते से जाता था रोज रोज को बिशन। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है, इसीलिए वो जाता है। फॉर्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। तड़के यानी बहुत जल्दी, सुबह 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 बहुत जल्दी होता है ना, 4 बजे से ही काम शुरू हो जाना, 5 बजे से ही, उसी को कहा गया तड़के। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही देर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं, 2-3 गोलियां एक साथ चल रही थी। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई, पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। पक्षी जो होते हैं, पंछी आसमान में जो उड़ते रहते हैं, गोलियों की आवाज़ से वो घबरा जाते हैं, वो इधर उधर गोल गोल चक्कर काटने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि पता नहीं कौन सी गोली हमें लग जाए, और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने के चक्कर में इधर उधर चक्कर काटने लग जाते हैं। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिप कर खड़ा हो गया। बिशन भी छोटा बच्चा था, वह भी सहम गया, डर गया और पेड़ों की आड़ में छिप कर खड़ा हो गया। देखिए, ये बिशन है, ये पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहाँ से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी, सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है, गेहूं की खेती में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं, शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वह सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। बिशन समझ गया था कि यह किसका काम है गोलियां चलाने का, शिकारियों का काम है, क्योंकि शिकारी जो है वो, उनको पता है कि इस वक्त फसल पक गई है और दाना चुगने पक्षी आएंगे, तो वह सुबह सुबह तीतर मारने के लिए चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे हुए और जख्मी तीतर मिले। बिशन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोली चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पांव के पास सरसराहट की आवाज़ हुई, सरसराहट सुनाई दी। उसके पांव के पास ऐसे सरसर की आवाज़ आती है, बस उसने देखा एक घायल तीतर गोलियों के बीच फंसा, बालियों के बीच फंसा झटपटा रहा है। एक तीतर की गोली लग गई है और वो घायल होकर झटपटा रहा है। जो गेहूं की बालियां हैं, जो अनाज की बालियां, उनके बीच में फंसा हुआ है वो। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर
छिटक कर खेत के ओर अंदर चला गया। लेकिन तीतर क्या वो घबरा रहा था, उसे नहीं पता कि विषन उसे बचाने वाला है। तो जो तीतर है वो घबरा हट के मारे उसको छिटक कर जोर से, जैसे हम कोई पक्षी के चोट लग जाती है हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पकड़ में नहीं आता, उस तरह से वो तीतर छुड़ा के और ज़्यादा अंदर उसके चला गया। विषन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो विषन ने उसे पकड़ लिया। विषन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। देखिए विषन है वो तीतर को पकड़ लिया है उसने, और उतना तेज भाग रहा था मानो उसके पंख लग गए। वो इसलिए भाग रहा था कि जैसे तैसे करके वह किसको बचा ले, तीतर को बचा ले। देखिए ये तीतर है, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूँ के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़। खेतों के आसपास कंटीले तारों की बाड़ लगाई जाती है ताकि कोई भी पशु अंदर ना आए और पशु अंदर आके खेतों को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए तो उनके भी खेतों के आसपास ऐसा ही था। विषन वैसे तो कंटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु उस समय वह दोनों हाथों में तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज़ आई, लड़के रुक जा नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन विषन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक विषन कंटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, डर गया था, बच्चा है इसलिए दिल जोर से धड़कने लग जाता है जब हमें डर लगता है। तब आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। वह चलता रहा। तभी विषन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी जो तेज़ी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूँगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। विषन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियाँ थीं। विषन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसने हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। अब कांटों के रास्ते से जाएंगे तो कांटे कहीं ना कहीं चुभ जाते हैं। वह बहुत संभल संभल के चल रहा था, मगर फिर भी कांटे जो थे वो उसको चुभ गए और उसके हाथ पांव पे उसकी खरोंचें हो गई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई, उसकी जो उसने शर्ट पहन रखी थी उसकी एक आस्तीन भी फट गई थी। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर विषन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से वह फिसल कर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज़्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी। विषन थककर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँव की आहट सुनाई दी। फिर से देखिए, उसको कोई पाँव की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने में तर बतर हो गए, मतलब एकदम पसीने में भीग जाना कहा जाता है, तर बतर होना, बिल्कुल तर बतर हो गए पसीने से। फिर भी वह रुका नहीं और
किसी तरह कर्नल दत्ता के फॉर्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया, मतलब फॉर्म हाउस के पीछे, पिछवाड़े यानी उसके पीछे तक पहुंच ही गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था, उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फॉर्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। फॉर्म हाउस में खामोशी थी, बस रसोई घर में प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। मुर्गियां जो अपने घर में होती है वही थी और गुलाब चंद कोई नौकर होगा जो सामने का बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उसे देख के, जो कर्नल साहब का कुत्ता था वो जोर जोर से अल्सेशियन, उस कुत्ते की कोई नस्ल है, जो उसे देख के जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है, क्योंकि तीतर उसके साथ था इसलिए शायद कुत्ता भौंक रहा था, जबकि बिशन तो उसके लिए अजनबी नहीं था। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। हाँ, शिकारी आ रहे होंगे इसलिए वो कुत्ता भौंकने लगा, क्योंकि कुत्तों को पहले से ही आभास हो जाता है। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक पेड़ शेड के नीचे बहुत सारा, पेड़ की जो छाया होती है उसके नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था, उसी के में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। शिकारियों के सामने इसलिए नहीं पड़ना चाहता था क्योंकि वो उसे पहचान जाएंगे और फिर बोलेंगे तीतर कहाँ है। इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलान ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खम्भे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर ही जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी इसलिए वह चिकनी चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वह स्वयं अब कुछ देख सके। इसके लिए उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देख कर कर्नल साहब का अलेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो। जब कुत्ता भौंक रहा था वार्बर में तो कर्नल ने कुत्ते को डांटा कि चुप रहो, पर वह न माना, पिछले दोनों पांवों पर खड़ा हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रोकदार आवाज में पूछा, कौन? कर्नल ने शिकारियों से पूछा, कौन हो तुम, यहाँ इस किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम्ही लोगों की गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी सुबह से। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, सरपंच माधव सिंह भी हमें जानता है। उन्होंने अपना परिचय दिया। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो, कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने
उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग, हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके वहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उनसे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? विशन चिमनी के पीछे से सब कुछ देख रहा और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी विशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहुजी बहुजी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बहुजी कर्नल दत्ता की जो पत्नी है उनको कह रहा है वो। विशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जा पहुँचे और बोली, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था, क्या करता बाबू जी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो यह मर जाता, अब तू इसका क्या करेगा, इसे पालूंगा बाबू जी, विशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए, उन्हें घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके, जाओ दवाइयों का बॉक्स लेकर आओ। विशन दौड़कर बॉक्स ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने विशन से कहा, विशन अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। विशन को कह रहे हैं कि अगर गेंदे के जो फूल होते हैं उसका जो पौधा होता है उनके पत्तों का, तब तक बहुजी एक टोकरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना, विशन तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है, तब तो यह विशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा, कर्नल ने हंसते हुए कहा। अच्छा विशन तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है, बहुजी ने पूछा। विशन ने अपने हाथों को मुँह पर रख कर तीतर की आवाज़ निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता उठ ठहाका मारकर हंस पड़े। बहुजी भी मुँह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। विशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहाँ से अपने घर की ओर भाग चला। प्रतिभानाथ ने यह लिखा है चैप्टर। देखिए इस चैप्टर के अंदर किसी पक्षी की जान बचाने पे है। विशन एक बहुत ही छोटा बच्चा है, 10 साल का है, लेकिन फिर भी उसे किसी भी जीव की पीड़ा उससे नहीं देखी गई और उसने इतनी मुश्किलों से शिकारियों की गोलियों के बीच से एक तीतर की जान बचाई। तो स्टूडेंट्स हमें इस चैप्टर से यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, जहाँ तक हो सके हमें किसी को मुश्किल में छोड़कर मुंह मोड़कर वहाँ से चले नहीं आना चाहिए, चाहे वो पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो। थैंक यू।